हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में देखा था। फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसके बारे में देखा था, और हमने देखा था कि यूनिट्स क्या होता है ना, और कितने टाइप ऑफ मतलब कितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैं, कितने यूनिट्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, उसी सभी सिस्टम्स ऑफ यूनिट को हम लोगों ने देखा था, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या है डायमेंशन में, क्या करना रहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है तो आपको, कल मैंने बताया इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या करना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में क्या करो, टर्म में उस फिजिकल क्वांटिटी को लिख दो। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनका जो पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। क्या है डायमेंशन, समझ में आया क्या है कि फंडामेंटल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है तो आप क्या करो उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में आप क्या करो लिखो, और फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है उस एक्सप्रेशन में उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे पहले देखो एग्जांपल, जैसे हमने फोर्स लिखा है या हमने लिखा भी है कि इट इज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट रेज्ड इन गिवन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, सिंपल पावर होता है किसका, फंडामेंटल क्वांटिटीज का गिवन एक्सप्रेशन। सिंपल याद रखना है, इट इज नथिंग बट द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन गिवन एक्सप्रेशन, इन गिवन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। इट इज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट रेस्ट इन द गिवन एक्सप्रेशन सो दैट इट कैन रिप्रेजेंट ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, देन दैट पावर इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, देखो फोर्स, फोर्स क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। हमेशा याद रखना है आपको कि फंडामेंटल किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसके टर्म में लिखना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। क्या क्या था फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर से मैं याद दिला दूं आप लोगों को, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जिसका यूनिट था सीडी जिसको हम लिखते थे, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनके टर्म में इसको क्या करना है आपको, लिखना है। जो आएगा उसको लिखेंगे और जो नई क्वांटिटी आएगा उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं, उसको नहीं लिखते हैं टर्म में। जैसे देखो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल आप अभी याद रखो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने क्या लिखा, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो या डिस्टेंस अपॉन टाइम, यदि सेम डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है तो हम उसको डिस्टेंस भी कंसिडर करते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे इसको कि क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फोर्स इक्वल टू हमने क्या लिखा, मास, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखो टाइम ऑलरेडी नीचे है तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। और डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ यार, लेंथ, क्या हुआ, लेंथ।
तो हमने यहां क्या लिखा, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम, क्या लिखा, सॉरी टाइम स्क्वायर, गलत यहां लिख दिया हूं, है ना, टाइम स्क्वायर। तो मास इंटू लेंथ अपॉन क्या हो गया, टाइम स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड तरीका होता है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या लिखा, मास लेंथ टाइम के पावर माइनस टू। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू मास, तो देखो मास क्या है, देखो यहां तीनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या मास लेंथ एंड टाइम, क्या है मास लेंथ एंड टाइम। तो मास का डायमेंशन पावर क्या है, वन है, तो इसलिए मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ एफ इन मास इज क्या है, वन। डायमेंशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू मास इज वन। उसी तरह लेंथ के रिस्पेक्ट में आपसे कोई पूछे तो लेंथ का पावर क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एल और इन एल इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, वन होगा। आपसे कोई पूछे कि क्या होगा टाइम, आई मीन फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा लेंथ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखो टाइम का पावर क्या है, माइनस टू है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, माइनस टू हो जाएगा। तो अभी समझ में आया आपको कि डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में क्या करना है, लिखना है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर होगा वही क्या होता है, क्या होता है, डायमेंशन होता है। क्या होता है, डायमेंशन होता है। हमेशा क्या करना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ही क्या करना है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है और फिर उसका पावर देखना है, वही जो पावर होता है वही क्या होता है, क्या होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, तो इसके बाद एक पॉइंट और ध्यान में, कुछ कुछ पॉइंट हम लिखेंगे कि डायमेंशन जो है ऑलवेज डायमेंशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशन इज ऑलवेज रिटेन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर इन स्क्वायर ब्रैकेट, क्या है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज रिटेन इन टर्म्स ऑफ या इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे, देखो ध्यान से, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहां क्या लिखेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज रिटेन रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के टर्म में क्या करते हैं, हम लिखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि मास का डायमेंशन लिखो, देखो ध्यान से, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से हम कैसे लिखेंगे, मास का जो मास को हम क्या चीज से, मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। उसी तरह क्या होगा, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है एल, कैपिटल एल, याद रखना लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल। डायमेंशन ऑफ टाइम को क्या चीज के, कैपिटल टी, ठीक है, क्या होगा, कैपिटल टी होता है। डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल एम, डायमेंशन ऑफ लेंथ कैपिटल एल, डायमेंशन ऑफ टी जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। अब जैसे आपसे कोई पूछे, ये आपको समझ में आया कि किसी डायमेंशन क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के टर्म में ऑलवेज क्या करना है, आपको लिखना है डायमेंशन ऑफ मास क्या लिखना है, कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में,
डायमेंशन ऑफ लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, कैपिटल एल। डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, कैपिटल टी। अब जैसे आपसे कोई पूछे, अब देखो यहां ध्यान से, डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है यार, लेंथ इनटू लेंथ ही होगा ना यार, अरे मीटर स्क्वायर होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो लेंथ, सिंपल लेंथ इनटू क्या लिखेंगे, लेंथ, यही होगा ना यार। अब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एरिया जब लिखोगे एल स्क्वायर लिखोगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो जब भी डायमेंशन लिखो तो उसमें एम एल और टी को इंक्लूड कर, इवन पावर, इवन एम नहीं आ रहा है तो एम का पावर यदि जीरो लिख दे तो कोई फर्क पड़ रहा है, एम का पावर जीरो क्या होगा, वन होगा यार। एल का पावर क्या हो जाएगा, जीरो लिख दे तो वन हो जाएगा, टी का पावर जीरो लिख दो। ऑलवेज क्या है कि जब भी क्या करो, स्टैंडर्ड जो तरीका होता है डायमेंशन लिखने का, तो तीन क्वांटिटी ऑलवेज क्या होना चाहिए, उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, मास, लेंथ एंड टाइम। तो जो नहीं है उसका पावर हम लिख करके क्या करेंगे, उसको लिख करके उसका पावर हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखो एक तो ये हुआ, दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, एम का पावर जीरो, एल स्क्वायर टी का पावर क्या होगा, जीरो। तो देखो यार ये भी, ये करेक्ट है, ये मोर करेक्ट ऑप्शन है। यदि दो ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा ये भी दिया हो, ये दिया हुआ, ये वाला भी ऑप्शन दिया हुआ और ये वाला दिया, तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया कि व्हेन एवर व्हाइल राइटिंग द डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम मस्ट बी देयर इन द डायमेंशन एक्सप्रेशन। ठीक है, यदि नहीं है तो हम उसको क्या करें, जैसे देखो यहां एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। लेकिन जब हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं तो देखो, तो इसमें एल स्क्वायर नहीं है, तो हमने एल स्क्वायर है तो हमने क्या लिखा है, एम रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो, टी का पावर जीरो का वैल्यू वन, एम के पावर जीरो का वैल्यू वन, और ये क्या हुआ, एल स्क्वायर। तो ये दोनों सेम हुआ, लेकिन बेटर कौन सा होगा, एम रेस टू जीरो, एल स्क्वायर क्या होगा, टी रेस टू जीरो, ये ध्यान देना है आपको। उस तरह अब आपको यहां मालूम चल गया कि डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ये तो मालूम होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आज मैं वही सिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं। इसके बाद देखो ध्यान से, तो ये समझ में आया। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है, जिसे देखिए डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, देखो तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेंथ, अगेन इनटू क्या लिखेंगे, लेंथ, इनटू क्या लिखेंगे, लेंथ, यही होगा ना यार। तो हम लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, लेंथ। लेंथ क्यों लिख सकते हैं, तो डायमेंशन जब भी लिखो यही लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट यहां लिख सकते हो। अब लेंथ क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो देखो यहां भी हम क्या लिखेंगे, एम रेस टू जीरो, एल क्यू, टी रेस टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। वी, यदि वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करें और वी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते, इसका मतलब क्या है, उसका हम डायमेंशन लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। देखो वी कैपिटल वी लिखा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर, आई मीन एम जीरो, एल स्क्वायर टू जीरो, टी रेस टू जीरो। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, ये मालूम चल गया। अब हम आते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इधर लिख देता हूं, नोट में ध्यान देना कि डायमेंशन ऑफ क्या लिख रहा हूं, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एम रेस टू जीरो, एल टी रेस टू जीरो,
याद रखना, ठीक है? आई मीन लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है. क्या होता है? सेम होता है. डायमेंशन ऑफ लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा. क्या होगा? सेम होगा. ठीक है. इसके बाद मुझे क्या लिखना है कि डायमेंशन ऑफ, मैं वन बाय वन लिखते जाता हूं, तुमको भी प्रैक्टिस करते जाना है. और डायमेंशन केवल आपको लिखने सीख जाना है, जब पूरा फिजिक्स पढ़ोगे तब डायमेंशन अच्छे से आएगा लिखने, क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए. और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप डायमेंशन नहीं लिख सकते, अदरवाइज कुछ है ही नहीं इसमें. तो दूसरा क्या है देखो, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ क्या होगा? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? देखो ध्यान से, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा? टाइम. यही होगा. अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन देखो, इधर लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया. इसका मतलब क्या है? डायमेंशन लिख रहा है. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ टाइम. अरे यही होगा ना. और डिस्टेंस का डायमेंशन अभी क्या बताया था? एल. तो देखो यहां क्या लिखेंगे, एम रेस टू, आई मीन बाद में लिखेंगे एल, क्या होगा? एल अपॉन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ टी. अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ, देखो इसमें क्या है, मास नहीं है, तो मास का पावर क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे. ठीक है. उसी तरह डायमेंशन ऑफ देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? देखो स्पीड, सॉरी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ क्या होगा? स्पीड. स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या होगा? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो देखो इधर लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा? डायमेंशन ऑफ टाइम. यही होगा ना. अब देखो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ लेंथ. तो यहां लिख सकते हैं एल डायमेंशन ऑफ, आई मीन एल डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? एल अपॉन क्या लिखेंगे? टी. इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस वन. और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? एम रेस टू जीरो एल टी माइनस क्या होगा? तो यहां से आप देखोगे कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड डायमेंशन ऑफ स्पीड जो होगा वो क्या होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों क्वांटिटी सेम है. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है. स्पीड क्या है? स्केलर है. तो क्या है कि इसमें, इससे हम नहीं बोल सकते हैं कि यदि क्या होगा, यहां से बहुत अच्छा एक नोट भी हम लिखेंगे, है ना, कि क्या होगा कि यदि दो दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, लेकिन किसी भी यदि दो फिजिकल का क्वांटिटी का डायमेंशन दिया हुआ है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है. ठीक है, बाद में हम लिखेंगे ऐसे. देखो लिखते जाएंगे तो बाद में हम नोट, तो यहां से लिख सकते हैं नोट में क्या लिखेंगे, नोट में कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू एम रेस टू जीरो एल टी माइनस. यही होगा ना. इसके बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन, वन बाय वन लिखते जाएंगे, है ना. एक्सेलरेशन तो यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो देखो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, पहले ही लिख लो, है ना. एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी. वेलोसिटी अपॉन क्या होगा? टाइम. ठीक है. तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन
इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम। अब देखो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या है, यही है क्या, या एल टी माइनस वन है, तो पहले लिख देंगे, लास्ट में स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, एल टी माइनस वन का एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या होगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा, एल टी माइनस क्या हो जाएगा, टू। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, एल टी माइनस टू। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई पूछे तो हम क्या लिखेंगे, एम रेज टू जीरो एल टी माइनस क्या होगा, टू होगा। मैंने ये बताया था कि मास लेंथ टाइम फाइनल डायमेंशन के एक्सप्रेशन में अलवेज क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखो, टाइम का डायमेंशन लिखो और डिवाइड कर दो। तो ये क्या हुआ, एम रेज टू जीरो एल टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम रेज टू जीरो एल टी माइनस टू। इसके बाद फोर्स का डायमेंशन, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, अब हम क्या देखेंगे, फोर्स का डायमेंशन। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, लीनियर मोमेंटम डायमेंशन। अब देखो डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को जनरली क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से। तो देखो पी आई मीन लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम आई मीन पी इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ पी, पी स्टैंड फॉर लीनियर मोमेंटम, इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी। मास का डायमेंशन क्या होगा, एम, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, अभी लिखा है देखो एल टी माइनस वन, तो क्या होगा, एल टी माइनस वन, इसका मतलब क्या है, एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा, ये किसका डायमेंशन हुआ, लीनियर मोमेंटम का, किसका, लीनियर मोमेंटम। उसके बाद हम आते हैं किसका डायमेंशन लिखना है अपने को, फोर्स का, जो मैंने बताया था फोर्स का डायमेंशन लिखना है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स, देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, एम, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, एल टी माइनस टू, लिखो तो एम एल टी माइनस क्या हो गया, टी फोर्स का डायरेक्शन डायमेंशन हो गया, देख रहे हो क्या हुआ, एम एल टी माइनस, है ना। उसके बाद वर्क का डायमेंशन, आपसे कोई पूछे तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज, इसको के ही लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू मास, है ना, इज इक्वल टू क्या, हाफ इंटू मास इंटू क्या होगा, स्पीड स्क्वायर। देखो कोई भी कांस्टेंट है तो अलवेज क्या होता है, वो सभी कांस्टेंट नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हो, लेकिन 1 बाई 2, 3 बाई 4 ये सब क्या हुआ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है।
ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा, जीरो होगा। बाद में हम लिख लेंगे कि वन बाई टू किसी भी कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वन बाई टू, अब सभी भी कांस्टेंट नहीं, जैसे मान लो आप बोलोगे सर आपने तो ऐसे बोल दिया, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का, उसका तो यूनिट भी होगा डायमेंशन भी होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया वन बाई टू टू बाई आई मीन टू पाई का डायमेंशन क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वन बाई थ्री का डायमेंशन क्या होगा, जीरो होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या होगा, वन बाई टू इंटू क्या होगा, मास इंटू क्या होगा, स्पीड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ, वन बाई टू इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ के ई, डायमेंशन ऑफ के ई का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, वन बाई टू, ठीक है, इंटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, स्पीड स्क्वायर। ठीक है, अब दिस विल बी क्या होगा, याद रखना है, दिस विल बी क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, मास इंटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, स्पीड। देखो ये रिजल्ट सही है, तो याद रखना है कि कोई भी यदि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो इसका भी डायमेंशन और इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट है आपको मालूम है, लेकिन ये क्या है, फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, मास का डायमेंशन इज इंटू क्या होगा, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, LT minus 1 the whole square। तो लिखोगे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब देखो क्या है, यहां से लिख सकते हैं कि यदि कोई भी क्या है रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि क्या होगा, वो फिजिकली करेक्ट होगा, लेकिन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही। देखो यहां ध्यान से, ये फिजिकली क्या है, देखो यहां क्या है, मास इंटू क्या है, स्पीड स्क्वायर। बाद में हम लिखेंगे ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो क्या होगा, वन बाई टू, आप जानते हो वन बाई टू मास इंटू क्या होगा, स्पीड स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, वन बाई टू मास इंटू क्या होगा, स्पीड स्क्वायर। तो वन बाई टू क्या हुआ, डायमेंशन लेस हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू स्पीड स्क्वायर। तो यहां उसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिख दिया हमने, उसके बाद हम लिखते हैं वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, वर्क डायमेंशन अब क्या है, डायमेंशन ऑफ वर्क। देखो वर्क को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क सिंपल में वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, देखो तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। ये रट जाना, फोर्स का डायमेंशन हुआ, वर्क का डायमेंशन हुआ, बहुत सारे आपको कुछ जो देखो, मास का डायमेंशन मालूम होना चाहिए, लेंथ का डायमेंशन मालूम होना चाहिए, टाइम का डायमेंशन, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन है जो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, इनटू का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, आई मीन डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, यदि लिखोगे इसको तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर क्या होगा, टी माइनस टू। तो याद रखना है कि जितने भी टाइप का क्या है एनर्जी, जितने भी टाइप का एनर्जी है
और वर्क है, सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। मैं लिखूंगा नहीं यार, लिख देता हूँ नोट में। क्या है नोट में? मैं लिख देता हूँ नोट में क्या लिखना है कि क्या होगा डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। या लिख देता हूं ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा एम एल टी माइनस, एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस, सॉरी एम एल स्क्वायर टी माइनस, ए याद रखना। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी हो, हीट हो, उसका भी क्या होगा, हीट का भी डायमेंशन क्या होता है, हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ ये भी लिख देता हूँ कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, ये भी लिख लेना कि डायमेंशन ऑफ हीट जो होगा, हीट इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। क्या है ये, आपको क्या करना है? ठीक है, इसके बाद हाँ ये मैं लिख रहा था। उसके बाद देखो, तुमसे कोई पूछे कि पाई का डायमेंशन क्या होगा, देखो यहाँ नोट में और भी पढ़, डायमेंशन अब क्या होगा टू पाई, विल भी क्या होगा, ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। I mean dimension of 2 pi is क्या होगा dimensionless, I mean simple लिख देना, यहाँ लिख देता हूँ 2 pi is क्या होगा dimension ठीक है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। उसके बाद क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, याद रखना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है डायमेंशन लेस होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कहीं, है ना, कि डायमेंशन ऑफ आई मीन कॉस क्या होगा ऑल, यहाँ लिख देता हूँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल मैट्रिक रेशियोज आर क्या होगा आर डायमेंशन लेस। ठीक है, क्या होगा ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो होगा वो क्या होगा डायमेंशन लेस होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 पाई इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ऑल एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। जैसे मैं बोलूं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होगा, है ना, ऑल एक्सपोनेंट जो होगा, एक्सपोनेंट इज क्या होगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज डायमेंशन लेस। ठीक है, ये वन बाई वन आपको समझ में आएगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि ये क्या होता है, इसके लिए क्या होता है डायमेंशन डिफाइन, उसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसके लिए हम क्या करते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो अब जैसे देखो आपसे ये पूछा जाए, हमने क्या क्या चीज का डायमेंशन फाइंड आउट किया, क्या है वर्क का, हीट का, और एक टॉर्क लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब चीज कोरिलेटेड है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, देखो डायमेंशन ऑफ क्या होगा टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बाद में हम पढ़ेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल याद रखना, फोर्स इनटू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, केवल याद रखो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क लिखोगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू क्या होगा डायमेंशन ऑफ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ
डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आई मीन फोर्स इनटू, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और ये ध्यान, अब यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या होगा। तो किसी भी यदि डायमेंशन सेम दिया हुआ है तो आप फिजिकल क्वांटिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, समझ में आया ना। देखो यहाँ वर्क हीट सबका डायमेंशन सेम है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको क्या है यदि डायमेंशन दिया हुआ है तो आप उससे फिजिकल क्वांटिटी को आई मीन ये जो डायमेंशन है वो किस फिजिकल क्वांटिटी की कॉरस्पॉन्डेंस दिया हुआ है उससे आप फिगर उस फिजिकल क्वांटिटी को फिगर आउट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नोट में क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगा, तो यहां लिख लेना कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क ठीक है इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हीट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ऑल एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये ध्यान रखना ठीक है कि जितने टाइप के क्या होंगे ये सबका डायमेंशन जो होगा वो क्या होता है, सेम होता है, सबका डायमेंशन क्या होगा सेम। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि नहीं आप बताओ, ऑप्शन दिया रहेगा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से आप बताओ कि कितने क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। यदि आपको ये चीज मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, डायमेंशन बता सकते हो ठीक है। उसके बाद वर्क का हमने लिखे, अब हम आते हैं क्या पावर, किसका डायमेंशन पावर, तो पावर का डायमेंशन क्या होगा, देखो तो डायमेंशन आई मीन डायमेंशन ऑफ पावर। अब देखो पावर का डायमेंशन, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा पावर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ये कितना, देखो डायमेंशन ऑफ वर्क कितना होता है अभी बताया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ठीक है अपॉन क्या होगा टी। तो जब यहाँ से लिखोगे तो ये कितना आएगा, देखो इसको जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बता सकते हो कि पावर का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। यही क्या हुआ डायमेंशन अब क्या हो गया पावर, किसका डायमेंशन हुआ पावर का डायमेंशन हो गया ठीक है। क्या होगा डायमेंशन ऑफ पावर अपने को मालूम चला गया हो गया ठीक है। अब देखो इसके बाद डायमेंशन ऑफ आपसे कोई एंगल, मैंने बताया था एंगल जो होता है क्या होता है, देखो अब यहां भी ये भी बता दूं इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था कि क्या है डायमेंशन ऑफ क्या होगा एंगल, याद रखना एंगल का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा जीरो होगा, आई मीन एंगल भी क्या होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, क्या होता है तो डायमेंशन ऑफ एंगल। तो हम यहां लिख देते हैं चाहे कोई भी एंगल, कल बताया था कि दो तरह के एंगल होंगे, तो यहां क्या होगा एंगल इज डायमेंशन, ये आगे भी पढ़ोगे एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी ठीक है, एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बट तो ये याद रखना है कि कोई भी क्वांटिटी यदि डायमेंशन लेस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा यूनिटलेस हो सकता है, वो यूनिटलेस भी हो भी सकता है और क्या होगा नहीं भी होगा। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ एग्जांपल,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं, देखो ये क्या है, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ क्या है, एंगल जो है क्या है, डायमेंशनलेस है, ठीक है, लेकिन यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है ना। तो कोई भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, दिस डज नॉट मीन दैट क्वांटिटी विल बी क्या होगा, यूनिटलेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो होगा वो क्या होगा, यूनिटलेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, है ना, ये क्या होगा, एंगल, चाहे किसी भी टाइप का एंगल दिया होगा, है ना, वो ऑलवेज क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये आगे हम पढ़ेंगे अभी इसके एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये ध्यान देना है, है ना। दूसरा है कि अब ये क्या है, तो यहाँ इसका, लेकिन एंगल का यूनिट क्या होगा, एंगल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, प्लेन एंगल, यूनिट कल ही बताया था, यूनिट ऑफ क्या होगा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, आई मीन थीटा, वो क्या होता है, रेडियन होता है, होता है ना, कल ही बताया था ना यार। लेकिन इसका डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। उसी तरह यूनिट ऑफ क्या होगा, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, और इसका था एसटी रेडियन, और एसआर शॉर्ट फॉर्म में लिखे, यही था ना यार। तो देखो ये क्या है, एंगल डायमेंशन लेस है बट यूनिटलेस नहीं है, हेंस द क्या होगा। दूसरा एक एग्जांपल देखो और बता देता हूँ आपको, कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है यही से, ये तो यार डायमेंशन तो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ से क्या लिखना है, देखो अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में सभी लोग पढ़े होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, या उसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां से देखो, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको देखो तुम्हारे बुक में, इसको हम इधर लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ऑफ मीडियम, या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग, या रिफ्रैक्टिव होता है, रिफ्रैक्टिंग होगा ना, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आप जानते हैं, इसको हम जनरली आपने शायद एन से डिनोट किया था। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, आई मीन क्या होता है, या सिंपल देखो, सी अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा। तो देखो ये क्या होगा, इसका डायमेंशन कोई आपसे पूछे तो डायमेंशन लेस भी है और क्या है, यूनिटलेस है। तो यहां देखो, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का जो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, एन क्या होगा, एन आई मीन रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मीडियम इज क्या होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस रिफ्रैक्टिंग लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव लिखते हैं शायद हम गलत लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव लिख लेना यार, देख लेना, तुम्हें पता नहीं, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ, आई थिंक रिफ्रैक्टिव लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिख लेना, है ना, छोड़ो जाने तो यही सही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये क्या हुआ, ये याद रख लेना, देख लेना तुम लोग, मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया हूँ दोनों में कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम इज यूनिटलेस एंड क्या होगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है क्या है। लेकिन देखो यहाँ क्या है, तो कोई भी यहाँ से क्या है, जस्ट इसलिए मैंने बताया कि क्या होगा कि आप कोई भी क्वांटिटी यदि क्या है डायमेंशन लेस है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा यूनिटलेस होगा। लेकिन वो यूनिटलेस है तो डायमेंशन लेस तो होना ही है, नहीं होने का चांस ही नहीं है। देखो यहाँ ये यूनिटलेस है ना यार, है ना, ये क्या है यूनिटलेस है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या है यूनिटलेस एंड क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लेकिन यहाँ क्या है एंगल, जब आप देखोगे एंगल क्या है डायमेंशन लेस है लेकिन क्या है यूनिटलेस नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वांटिटी क्या है यदि यूनिटलेस डायमेंशन लेस है तो क्या होगा यूनिटलेस है, यूनिटलेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां से हम नोट में लिख सकते हैं फिजिकल, इफ फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस देन इट मे और मे नॉट बी क्या होगा यूनिटलेस। ये आप लिख लेना, ये एडवांस में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे नोट में, क्या लिखेंगे नोट में लिखेंगे कि इफ ए फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस देन इट मे और मे नॉट बी यूनिट लेस। समझ में आया ना, ये दोनों से रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से आपको ये चीज मालूम चल रहा है कि देखो ये वेलोसिटी का डायमेंशन है भी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन और डायमेंशन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ डायमेंशन लेस हो गया। लेकिन ये क्या है डायमेंशन लेस भी है और क्या है यूनिट लेस है। लेकिन एंगल क्या है डायमेंशन लेस है बट यूनिट लेस नहीं है। आपको मैंने डायमेंशन ने कल फॉर्मूला बताया था, उससे तुम एंगल का डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्या है, तो ये चीज ध्यान में रखना तुम लोग, है ना। इसके बाद हम लिखेंगे प्रेशर, तुम लोग जानते हो अगला जो पॉइंट है क्या है, देखो प्रेशर को भी पी से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है आपको ही मालूम है कि फोर्स अपॉन क्या होगा एरिया, क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन क्या होगा डायमेंशन ऑफ एरिया। फोर्स का डायमेंशन मालूम है कितना होगा एम एल टी माइनस क्या होगा 2, यही होगा ना यार, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगा एल स्क्वायर होगा। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर जो होगा, प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, क्या होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस क्या हो जाएगा। अब एक और क्वांटिटी मिलेगा स्ट्रेस, क्या होगा स्ट्रेस, वो भी क्या होता है सिंपल, अभी याद रखना है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, वो बाद में पढ़ोगे आप। तो यहां मैं लिख देता हूं कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन क्या होता है एरिया, ये भी लिख लेना, ठीक है। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन क्या होगा डायमेंशन ऑफ एरिया। तो यहां देखो स्ट्रेस का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा एम एल माइनस 1, ठीक है। और भी कुछ है लिखता हूं, देखो कई क्वांटिटी का डायमेंशन इतना ही आता है, ठीक है। अब डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं कि स्ट्रेस क्या है, क्योंकि जब इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ोगे तो वहां ये पढ़ाया जाएगा आपको। तो प्रेशर भी, प्रेशर हम 10 क्लास पढ़ते हैं केवल प्रेशर के बारे में,
तो ये आपको जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां ये सब चीज मिलेगा, फिर ये डायमेंशन वहां भी मैं लिखूंगा। तो इसके बाद आपको अब हम लिखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन तीन तरह के होते हैं, देखो क्या होगा, सिंपल स्ट्रेन लिखना है। स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखो एक सिंपल स्ट्रेन का मैं डेफिनेशन लिखता हूं, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, अब देखो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कई चेंज इन लेंथ भी होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ट्रांसवर्स होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है। अब देखो चेंज इन लेंथ का डायमेंशन भी क्या होगा, लेंथ के डायमेंशन के इक्वल होगा, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा ये डायमेंशन का मतलब, ये डायमेंशन, अरे मतलब चेंज इन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होगा, लेंथ। ओरिजिनल डायमेंशन का मतलब क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। यहां लिखना, ये समझ में आया तुम लोगों को, अरे लेंथ। अब ये क्या होगा, जैसे मैं लिख भी देता हूं, जैसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन क्या होगा, एल। अरे डेल्टा एल क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, बीट एल, और इसका भी एल एल कैंसिल हो जाएगा ना, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो याद रखना है, यहां मैं लिख देता हूं, स्ट्रेन इज क्या होगा, डायमेंशन लेस लेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। All type of strain, यहां लिख लेना strain, इसलिए मैंने लिख दिया simple, all type of strain, यहां लिख लेना all type of strain। ठीक है, अब Hooke's law मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितने भी होते हैं, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी केवल ये भी याद रखना, तीन तरह के मॉडुलस ऑफ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीन तरह से हम डिफाइन करते हैं, पहला जो होता है, अब जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं वो डायमेंशन, उनका डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। तो हुक्स ने क्या बताया था, देखो ध्यान से, कि मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन क्या होगा, स्ट्रेन। अब ये तो डायमेंशन लेस हुआ यार, तो ये क्या होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होगा वही क्या होगा, स्ट्रेस का डायमेंशन होगा, याद रखना है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं क्या होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो मॉडुलस आई मीन डायमेंशन ऑफ, देखो यहां से क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ
प्रेशर, यहां भी लिख लेना ऑल टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, एक बहुत बार पूछा, अब मैं बता देता हूँ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं, वो बता देता हूँ कि आपको पहला जो होता है यंग मॉडुलस, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको वाई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, सिंपल याद रखना, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, एक ये होता है, उसके बाद होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, बीटा से। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो डेल्टा पी अपॉन क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम। देखो ये क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो ये एक होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। तीसरा जो होगा क्या होगा, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, ईटा। इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, ई टी ए ईटा। तो ये तीनों का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, प्रेशर के क्या होगा, डायमेंशन के क्या होगा, स्ट्रेस के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, कल और हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, और फिर डायमेंशन हम लिखेंगे। ओके, थैंक यू।